स्वागत है बंधु आपका बी द वन हिंदू पे। मैं बिलीवर बोला था अभिषेक, आज हम बात करेंगे दिल्ली में कांड के बारे में। हाँ, शहादा डेरी में जो कांड हुआ है भाई, इतना खतरनाक कांड भाई, इतना खतरनाक किस भाई, इतना खतरनाक तरीके से मारा है भाई। मतलब मेरा जब मैं वीडियो देख रहा हूँ भाई, मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं भाई, मेरा का किसी के भी हो जा रहे हैं भाई। लेकिन इस लड़के को मैं क्या बोलूँ भाई, इस लड़के में किस बात का गुस्सा था भाई, किस बात की दुश्मनी थी भाई, किस बात का खुन्नस था भाई। अभी छोटी सी बच्ची मात्र 16 साल की लड़की से भाई इतना खतरनाक तरीके से मारा भाई, किस बात का गुस्सा, इतना का गुस्सा। अभी एक बच्चे से मतलब 16 साल की थी भाई, उसको खुद की समझ नहीं थी भाई, वो दुनिया को क्या समझाती और तुझे क्यों समझाती मादर चोद, क्योंकि उसके सामने खड़ा होने लगी लाइक में नहीं है। फिर भी भाई इसने उसे इतने गंदी तरीके से मारना भाई, मैं क्या बोलूँ। और जितना गुस्सा मुझे लड़के पर नहीं आ रहा है कि भाई, मतलब मिल रहे तो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे गुजर रहे लोगों से आ रहा है, मतलब जो वीडियो में गुजर रहे हैं वहाँ से भाई। ऐसा उन्होंने कर दिया ना, ऐसा लग रहा है ये रोज़ का सीन है वहाँ का। मतलब ये तो भाई रोज़ होता है, हम यहाँ चल रहे हैं, हमें क्या मतलब है, कौन इसमें पैर डाले अपना भाई। मतलब किसी ने खड़े होकर बोलने तक का हिम्मत नहीं किया भाई। क्या वो लड़का वहाँ का गुंडा था या 10 लोग को अकेले मारे थे वहाँ पे वो। और एक तरह से इसका मैं निगेटिव पॉइंट ये बताऊँ तो लोग दूसरे मामले अपना पैर डालते नहीं है। क्यों डालेंगे, क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि भाई अगर डालेंगे तो उन्हें दो साल किया, 10 साल तो उन्हें सिर्फ कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में बयान देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये किया, मैंने बचाया तो मैंने वो किया। इसलिए कोई अपना पैर डालता नहीं दूसरे केस में। और एक प्लस पॉइंट बताऊँ तो वहाँ था सीसीटीवी फुटेज, सामने दिख रहा है भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन बचा रहा है, कौन मार रहा है, फिर भी लोग नहीं बचाया भाई। वो वहाँ से लोग गुजर रहे होंगे, वो तो रोज गुजरते होंगे, हमें तो पता होगा ही वहाँ कैमरा लगा हुआ है, फिर भी नहीं बचाए। तो इस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि अगर ऐसे लोग देश में रहेंगे तो इससे बड़े बड़े कांड होंगे और इससे बड़े बड़े मादरचोद निकलेंगे देश में। तो सबसे पहले देश बदलो, लोगों की सोच बदलो और लोगों को जागरूक बनाओ भाई। लोग जागरूक होंगे तभी कुछ होगा। लोग ये सोचते हैं भाई किसी और घर में हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है, आज वहाँ हो रहा है कल तेरे घर में होगा, तब तेरा जाएगा ना, बढ़िया है। इसलिए करते रहा, देखते रहा, आगा नंबर तेरा है। और ज़्यादा बात है उस लड़की, अगर लोग जागरूक होते ना जागरूक, और वहाँ कोई भी दो तीन आदमी खड़ा हो जाता और उसको पकड़ लेता, तो आज जितने बार उसने घोंपा है उस लड़की को चाकू बच्चे को, आज उससे ज़्यादा टुकड़े उसको वहाँ पड़े होते हैं और एक नया मिसाल कायम होता है जिसमें अच्छा कुछ होता अच्छा। लेकिन ये क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिख रहा है उन्होंने किसने क्या किया है, कितनी बार उसने घोंपा है, जहाँ तहाँ घोंपा है, कैसे घोंपा है, फिर भी उसके नाम के आगे आरोपी साहिल खान लगा रहा है, लिखा रहा है। किस बात का आरोपी, क्या उस पर आरोप लगा जा रहा है कि उसने मारा है, वहां तो दिख रहा है भाई। आगे आप समझदार हैं,